प्रतापगढ़ में अपराधियों की अब खैर नहीं। ड्रोन कैमरे से बचकर भाग नहीं पाएंगे अपराधी। अपराध से जूझ रहे जिले में एसपी सतपाल एंटिल का नया प्रयोग। अपराधियों पर अंकुश लगाने को ड्रोन कैमरे का किया जा रहा है इस्तेमाल। गंभीर अपराधों में लिप्त जेल से छूटकर वापस गांव पहुंचे अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने को पुलिस के पहुंचने से पहले ड्रोन कैमरे से हवाई क्षेत्र से निगरानी की जा रही है। अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिश करते हैं तो कैमरे की निगाह से बच नहीं सकते। इतना ही नहीं, कुछ संदिग्ध चीजें यदि होती हैं तो उसको भी कैमरे से चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह से स्पेशल टीम इलाकाई पुलिस की मदद से इस काम में लगी है। एसपी सतपाल एंटिल का दावा है कि अपराधियों का डिटेल निकालकर बाकायदा डोजियर तैयार किया गया है। अब हमारी स्पेशल टीम ड्रोन से निगरानी करती है और स्थानीय पुलिस भी शामिल रहती है। ड्रोन से आसमान से निगरानी के चलते अपराधी भागता है तो कैमरे से बच नहीं पाता। सर, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही, किस तरह की घटनाओं इस पे अंकुश लगाया जाएगा और क्या है पूरा? देखिए, हमने पिछले 10 सालों में चोरी के, लूट के, नकबजनी के, डकैती के इस प्रकार के मुकदमे निकलवाए थे, जिनमें जो अभियुक्त थे उनकी सारी डिटेल निकलवाई थी। इनके पूरे डोजियर भरवाए गए हैं और इनके हल्का वाइज, गांव वाइज इन सबको चिन्हित किया गया है। इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन एक विशेष टीम के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि ड्रोन कैमरे का भी यूज़ किया जा रहा है। गांव में जाने से पहले पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा यूज़ किया जाता है और वहां पर जितने भी अपराधी हैं और उनके रेजिडेंसीज हैं, उन सबको इसमें निगरानी में रखा जाता है। अगर जो कोई इधर उधर भागता है तो उसकी पुलिस को अच्छे से जानकारी मिल जाती है। कहीं पर अगर जो कोई संवेदनशील पदार्थ या वस्तु होती है तो उसकी जानकारी मिल जाती है। पिछले एक हफ्ते से लगातार इस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है और इसमें काफी हद तक इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।